विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट, लम्हेटाघाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल कराने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इस परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अधिकारियों और वैज्ञानिकों की 2 दिवसीय कार्यशाला का जबलपुर में आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में परियोजना के नामांकन डोजियर की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट, लम्हेटाघाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को विश्व धरोहरों की सूची में शामिल कराने की तैयारियां की जा रही हैं। इस परियोजना को साकार करने के लिए अलग अलग स्तरों पर महत्वपूर्ण कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसी सिलसिले में MPTB और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अधिकारियों और वैज्ञानिकों की 2 दिवसीय कार्यशाला जबलपुर में आयोजित हुई। इस कार्यशाला में MP टूरिज्म बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर प्रशांत सिंह और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक डॉक्टर भूपेश मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यशाला में MP के नामांकन DGR की तैयारियों पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। हम लोगों ने जो साइट्स आइडेंटिफाई कराई उसमें भेड़ाघाट, लम्हेटाघाट भी एक प्रोमिनेंट साइट के रूप में उभर के सामने आई और उसके साथ सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की सहायता से हम लोगों ने पिछले साल इन दोनों स्थलों को यूनेस्को की नेचुरल कैटेगरी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल करा लिया था। अब अगर टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हो जाते हैं तो अगला कार्यक्रम रहता है कि इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कराने के लिए इसका नॉमिनेशन डोजियर बनाया जाए। तो ये प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है और भेड़ाघाट, लम्हेटाघाट को यूनेस्को की नेचुरल कैटेगरी की जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कराने के लिए नॉमिनेशन डोजियर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तैयार कर रहा है। तो ये वर्कशॉप जो है उसी का एक पार्ट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंस्क्राइब हो जाता है तो जबलपुर और भेड़ाघाट, लम्हेटाघाट जो कि इसकी जो छुपी हुई जो इसकी धरोहर है, जो वैल्यू है, वो लोगों के सामने आएगी और इसको विश्व पटल पे इसको एक स्थान मिलेगा, एक वर्ल्ड मैप पे इसको एक स्थान मिलेगा, क्योंकि यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं वो पहले से ही सभी को पता है, लेकिन उसको टेक्निकल तौर पे एक नॉमिनेशंस अगर मिलता है तो ये एक टैग होगा, इंटरनेशनल टैग होता है, ये बहुत ही रेपो की बात होती है। यूनेस्को अगर किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंस्क्राइब करता है तो ये काफ़ी गर्व की बात है। मध्य प्रदेश के लिए ये पहली साइट होगी जिसके लिए हम जो कि नेचुरल क्राइटेरिया में इसको स्थान मिलेगा। 2 दिवसीय कार्यशाला में इस परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण विषयों पर विचार मंथन कर अगली रणनीति बनाई जाएगी।